चलिए दोस्तों, आज फिर मैं प्रभात रंजन एक नई शख्सियत को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेस आईएएस ने अमृतकाल की वेला में महत्वपूर्ण शख्सियतों के बारे में आपको परिचित कराने का निर्णय लिया है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः एक बार एक नए शख्सियत के साथ उपस्थित हूं और इस शख्सियत का नाम है प्रीति लता वाडेदार। अभी तक जो पहले के हमारे सीरीज में जिन महान शख्सियतों को आपने देखा वो सारी महिलाएं हैं, और यह आज जो आपके समक्ष हम शख्सियत को लेकर उपस्थित हैं वह भी एक महान क्रांतिकारी महिला ही है, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व या महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इनका जन्म 5 मई 1911 को चटगांव के नजदीक के एक गांव में हुआ था, और यह आरंभ से ही पढ़ने लिखने में काफी मेधावी रही थी। इनके पिता का नाम जगबंधु वाडेदार और माता का नाम प्रतिभा देवी था। इनकी स्कूली शिक्षा डॉक्टर खस्तागिर शासकीय कन्या विद्यालय में हुआ, और यह पढ़ने लिखने में शुरू से ही मेधावी है। इनका पढ़ने में काफी अभिरुचि था और यह उस समय की कह सकते हैं मेधावी छात्रा के साथ साथ एक निडर, निर्भीक, साहसी और क्रांतिकारी महिला थी। इसके बाद आगे उच्च शिक्षा के लिए, इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए इन्होंने ढाका के ईडन कॉलेज में दाखिला लिया, और वहां भी पूरे ढाका बोर्ड में यह 5वें स्थान पर रहे। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में उस समय माहौल जो है काफी गर्म था, उस समय कई सारी चीजें देश में एक साथ चल रही थी, और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब भी किसी समय की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो उसके आसपास की चीजों को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, आसपास की चीजों को कोरिलेट करके उसके साथ जोड़ करके, और उसे जब आप देखेंगे तो पूरा उस समय का जो स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है वह पूरा ज्ञात होगा और आप उन चीजों को आसानी से नहीं भूल पाएंगे। तो जैसा कि हम बार बार कहते रहे हैं कि किसी अगर क्रांतिकारी महान व्यक्तित्व का अगर जन्मदिन है तो उस जन्मदिन में, उस वर्ष में अगर कुछ देश में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं तो उसके बारे में भी आप देखने की कोशिश कीजिए। तो पहले मैं इनका व्यक्तित्व से आपका परिचय करा लूं, तब इनके जो जन्मदिन है, जन्म का समय है और जो मृत्यु का जो वर्ष है वह हमारे समय के लिए, उस समय के क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए या उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें उस वर्ष का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में बताऊंगा। तो जब यह कलकत्ता स्नातक की पढ़ाई करने पहुंची तो कलकत्ता में उस समय एक पुनः क्रांतिकारियों का दल संगठित हो रहा था और वह क्रांतिकारियों को अंजाम देने के लिए जो है उत्सुक हो रहे थे। उस समय पुरुष और महिला दोनों क्रांतिकारी गतिविधियां हो या अन्य दूसरी गतिविधियां हो स्वतंत्रता संग्राम की, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही थी। पुरुष के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला करके चल रही थी, और उसी में एक नाम प्रीतिलता वाडेदार का भी है। यह कॉलेज के दिनों में ही संपर्क में आ गई क्रांतिकारियों के, इनके कुछ क्रांतिकारी साथी भी वहां पढ़ाई करते थे, उनके माध्यम से उस समय के महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी थे मास्टर दा यानी सूर्य सेन, जिन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी IRA की, तो उसके साथ ये जुड़ी और जुड़ने के बाद उनकी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। जब यह स्कूली दिनों में यह वहां पढ़ाई कर रही थी चटगांव में, तो यह बालचर संघ से जुड़ी हुई थी, और बालचर संघ जो है वह सम्राट या सम्राज्ञी के प्रति निष्ठा होने का भाव जो है वहां उत्पन्न करता था, उसके लिए समर्पित होने का भाव पैदा किया जाता था, उसके लिए प्रतिज्ञा कराई जाती थी। जब ये प्रतिज्ञा वैसे सारे जो बच्चे थे वो लेते थे तो इनके मन में हमेशा खटकता रहता था कि यह कैसा है जब हमारे देश में इतनी सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारे लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें सम्राट और सम्राज्ञी के प्रति निष्ठा लेने का जो प्रतिज्ञा कराया जाता है, जो वादा कराया जाता है, ऐसा क्यों है। आगे चल करके जब वह धीरे धीरे बड़ी हुई, कॉलेजों में पहुंची, तो इनका जो लगाव है वह कुछ उस समय के महान क्रांतिकारी लोगों के साथ हुआ, और उसमें यह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय से परिचित हुई,
जब रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को इन्होंने पढ़ा तो उनके कार्यों से यह काफी ज्यादा जो है प्रभावित हुई और यह क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गई। उसके बाद वहां जो राष्ट्रवादी गुट था उसमें कॉलेज के राष्ट्रवादी गुटों में शामिल होने लगे और वहीं जो है इन्होंने लाठी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद निर्मल सेन ने इन्हें कुछ हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण दिया। फिर कुछ लोगों के साथ यह सूर्य सेन के साथ मिली। सूर्य सेन ने इन्हें अपने दल में शामिल किया क्योंकि अगर महिला टुकड़ी होता तो इन महिलाओं के माध्यम से हथियारों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, क्रांतिकारियों तक ले जाना काफी बिना सको और सुबह के आसान हो जाता क्योंकि इन पर अंग्रेज पदाधिकारियों की अधिकारियों की सैनिकों का ज्यादा नजर नहीं होता था। मानते थे कि महिलाएं क्या करेंगी, इस तरह की गतिविधियों में जल्दी भाग नहीं लेती हैं, तो इसलिए इनके माध्यम से ये सब सारे कार्य करना आसान होता। लेकिन कुछ जो क्रांतिकारी थे मास्टरदा के सहयोगी वह इसका विरोध करते थे और इसमें इनके शामिल किए जाने का विरोध विनोद बिहारी चौधरी ने भी किया था। लेकिन आगे चलकर के जब उन्हें सारे चीजों को बताया गया तो फिर विनोद बिहारी चौधरी के मन में जो खटास था, जो भावना थी ऐसी, वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और यह जो है प्रीति लता वाडेदार उनके साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि 18 अप्रैल 1930 को जो मास्टरदा की संगठन था, मास्टरदा का संगठन IRA, उसने चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया और उसमें कई सारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया। लगभग 4 दिनों पर उस पर अपना कब्जा इन्होंने जमाए रखा। पूरी रेलवे लाइन काट दी गई, टेलीग्राफ लाइन, टेलीफोन लाइन सारी काट दी गई और ये सब सारे कार्यों में प्रीति लता वाडेदार की महत्वपूर्ण भूमिका है। टेलीग्राफ लाइन काटने में और टेलीफोन लाइन काटने में अगर किसी एक की ज्यादा भूमिका रही तो वह थी प्रीति लता वाडेदार, इनको यह भूमिका सौंपी गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उस शस्त्रागार का सिक्योरिटी इतना टाइट था, उसमें जो चीजें लगी हुई थी सिक्योरिटी के लिए उसको तोड़ पाना इनके लिए आसान नहीं था, तो वहां से वो गन नहीं ले पाए। 4 दिनों के बाद फिर जब वहां बाहर से सारे सैनिक पहुंचे तो इन्हें वहां से भाग करके पास की जलालाबाद की पहाड़ियों में शरण लेना पड़ा। आगे चल करके जहां ये शरण लिए हुए थे उस जगह को भी 22,000 से ऊपर ब्रिटिश सैनिकों ने उसको घेर लिया 22 अप्रैल 1930 को। उसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी का दौर शुरू हुआ और इस गोलीबारी में लगभग 12 क्रांतिकारी मारे गए और उसमें 80 से ज्यादा ब्रिटिश आर्मी यानी उनके सिपाही भी मारे गए। लेकिन धीरे धीरे इनके पास गोली बारूद का अभाव होने के कारण पांव उखड़ने लगे क्रांतिकारियों का, क्योंकि इनके पास सबसे जो महत्वपूर्ण ड्रॉबैक्स था, जो महत्वपूर्ण इनका कमी था, वह इनके पास हथियारों का कमी था। शुरू से प्रारंभ में भी जो क्रांतिकारियों का संगठन खड़ा हुआ उसमें भी यह समस्या देखी गई। तो यह धीरे धीरे वहां से ग्रुप बना करके और उनके चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे और रात्रि के अंधेरे का लाभ उठा करके धीरे धीरे वहां से निकल गए और उस में प्रीति लता वाडेदार भी थी, सूर्य सेन भी थे, निर्मल सेन भी थे, अपूर्व सेन भी थे, इन्होंने एक दल बना करके और एक वहां रात्रि में निकल भागे। इसके बाद जो इनके संग साथी वहां शहीद हुए थे 12 लोग, इनका बदला लेने के लिए ये लोग उत्सुक होने लगे और विभिन्न जगहों पर जो है गुप्त बैठकें करके, मीटिंग करके और अधिकारियों पर हमला करने की योजना बनाने लगे। इसमें प्रीति लता वाडेदार भी शामिल थी। लेकिन एक दिन प्रीति लता वाडेदार जो है वह जून 1932 को मिलने गई सूर्य सेन से इसी सिलसिले को लेकर के, वहां अपूर्व सेन, निर्मल सेन वगैरह थे और जैसे ब्रिटिश अधिकारियों को पता लगा कि कुछ लोग, कुछ क्रांतिकारी इधर छिपे हुए हैं भालघाट में, तो यहां उन्होंने जो है खोजबीन शुरू कर दिया। ये जो सारे क्रांतिकारी थे वह नलिन चक्रवर्ती के विधवा सावित्री चक्रवर्ती के यहां रुके हुए थे। इसकी खबर पुलिस को लगी और पुलिस ने उस घर की घेराबंदी कर ली। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। प्रीति लता वाडेदार भी वहां पहुंच चुकी थी और उस गोलीबारी में निर्मल सेन और अपूर्व सेन की शहादत हो गई। सूर्य सेन के कहने के बाद जो है प्रीति लता वाडेदार और एक दो और जो सहयोगी वहां थे वो लोगों ने उस घर को छोड़ दिया और वहां से वो भाग निकले। इसके बाद प्रीति लता वाडेदार जो यहां अपूर्व सेन और निर्मल
सेन मारे गए थे उनकी और पहले के क्रांतिकारियों की शहादत का बदला लेने के लिए सूर्य सेन से पुनः जो है अनुमति लिए, और सूर्य सेन ने इन्हें कहा कि इसका बदला लेने के लिए हमें जो पहाड़ी तल्ला, चटगांव के पास पहाड़ी तल्ला है एक क्षेत्र था, वहां पर यूरोपियन क्लब था, उस यूरोपियन क्लब में एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा गया था कि डॉग्स और इंडियन नॉट अलाउड, जो कई सारे पिक्चरों में भी दिखाया गया है। तो उस यूरोपियन क्लब में ज्यादातर जो है यूरोपियन आते थे, अंग्रेज आते थे, और वहां नाच गान और जो है शराब और शबाब का दौर चलता था। तो वहां पर एक ऐसे ही रात्रि में 24 सितंबर 1932 की रात्रि को जब वह सो नाच गान और शबाब में डूबे हुए थे, शराब और शबाब में, तो अपने कुछ साथियों के साथ, लगभग 8 साथियों के साथ प्रीतिलता वाडेदार ने उस क्लब पर हमला कर दिया और चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। अचानक ऐसा आक्रमण किए जाने से जो है अंग्रेजों को ज्यादा संभलने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसमें कुछ जो है महिला और पुरुष मारे गए और 13 से ऊपर घायल हुए, लगभग 4 लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोग वहां से भाग निकलने में सफल हुए। तब तक यह सूचना वहां अंग्रेज तक पहुंच चुकी थी उनके अधिकारियों के पास। उसके बाद वो सैनिक लेकर के आ गए, जो वहां क्लब के सिक्योरिटी के लिए कुछ सैनिक लगे हुए थे, उन्होंने फायरिंग करना शुरू किया और उसमें एक गोली प्रीतिलता वाडेदार को लग गई। उसके बाद वह कुछ दूर तक भागी और फिर आगे गिर गई। गिरने के बाद उन्होंने अपने साथ में रखे हुए पोटासियम साइनाइड नामक जहर को खा करके आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह जीवित रूप से अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें यातना दे करके और उनके सहयोगियों के बारे में, क्रांतिकारियों के छिपने की जगह के बारे में पता किया जा सकता था। तो इन्होंने जो है अपनी शहादत दे दी, लेकिन वह अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। तो इस प्रकार से प्रीतिलता वाडेदार ने उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और देश के क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह था प्रीतिलता वाडेदार का जीवन परिचय। यह जब स्नातक की थी तो स्नातक उनके क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण स्नातक की उपाधि उस समय के कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान नहीं की गई। इन्हें मृत्यु के उपरांत लगभग 80 वर्ष के बाद, मृत्यु के बाद 2012 में भारत सरकार ने जाकर के इन्हें जो है मृत्यु उपरांत स्नातक की उपाधि से नवाजा। इसके अलावा यह जो है अपने घर परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि साधारण घर से आती थी, तो शिक्षिका के रूप में भी कुछ दिनों तक नंदकरण अपर्णा चरण हाई स्कूल में भी हेडमिस्ट्रेस के तौर पर काम किया। तो यह था प्रीतिलता वाडेदार का जीवन परिचय। अब जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो वहां घटनाएं उस समय पैरेलल में चल रही हैं उसके बारे में भी आपको जानना है, उसके समानांतर में। तो जैसे अब इनका जन्म है 1911 का, तो 1911 में और क्या घटनाएं घटी, तो 1911 में भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और यह तीसरा दिल्ली दरबार, और दो दिल्ली दरबार कब हुए वो आपको पढ़ना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सर्च करना है। इसके बाद उसी 1911 में दिल्ली जो दरबार का आयोजन हुआ उसमें जॉर्ज पंचम भारत आए थे अपने जो है रानी क्वीन मेरी के साथ, और यहां घोषणा की कि जो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया है उसको रद्द किया जाता है। इसके अलावा यह भी घोषणा किया गया कि अब राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी। और जानते हैं कि जब उसका समारोह मनाया जा रहा था तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, उन पर बम फेंका रास बिहारी बोस वगैरह ने, और फिर बाद में रास बिहारी बोस कहां पहुंच गए, जापान। तो यह उनके जन्म का, और 1911 में ही कलकत्ता में 27 दिसंबर को जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें पहले बार राष्ट्रीय गान गाया गया जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचा गया। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इनकी मृत्यु है 24 सितंबर 1932, तो इस 24 सितंबर 1932 काफी महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसमें जो है आपका एक पूना पैक्ट भी हुआ था, इसी तारीख को और इसी वर्ष को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को ही पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो यह गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था और यह यरमदा जेल में हुआ था। और यह कैसे हुआ, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, यह आप दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यह है हमारे उस समय की क्रांतिकारी साहसी और जो है निर्भीक महिला प्रीतिलता वाडेदार का जीवन परिचय। तो आशा है कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आएगा।
तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूले दोस्तों, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके और आप आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतना ही, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।